सब सुना रहे हैं जी। जो भी शासन पंडाल से बाहर हैं जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठे, और जो यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजने गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदा अपना रूप बनाया, बंदा अपना रूप बनाया, ऊंचा दिया खिताब। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया, अपने नूर से पैदा किया, सब इसको अधिकार है दिया। ओ, पर इसने कोई कदर न जानी, पर इसने कोई कदर न जानी, जन्म को करे खराब। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया, सच्चा सौदा करने आया, साहूकार से पूंजी लाया। ओ, झूठे सौदे करता फिरता, झूठे सौदे करता फिरता, देना पड़े हिसाब। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया, ललकारे निर्दोषों लोगों को मारे। ओ, दया रहम ना आए इसको, दया रहम ना आए इसको, बन बैठा दलाद। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया,
मालिक मेरे, सब कुछ ही है बस में तेरे। ओ कहीं शासक ना मुझ हो जाएगा, शासत ना मुझ हो जाएगा, चमन तेरा बर्बाद। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया, बंदा अपना रूप बनाया, ऊंचा दिया किताब। ओ इंसान बनाने वाले तेरा नहीं जवाब, मालिका मालिका तेरा नहीं जवाब। बंदा अपना रूप बनाया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैनू पार लंघाओ जी, दात आया तुम अर्जा कर दी। मैनू पार लंघाओ जी, दात आत्म अर्जा कर दी। मैनू पार लंघाओ जी, दात आत्म अर्जा कर दी। ए देश बेगाना है, सागर है डूंगा मारू, तेरे बिना ना कोई तारू। विच घूमन केरी दे, विच घूमन केरी दे, हसगी बेड़ी डगमग कर दी। मैनु पार लंघाओ जी, दातिया आत्म अर्जा कर दी। जन्म ना ऐसा थ्यावे, भव जल तो हो पार जावे। और जन्म ना ऐसा थ्यावे, भव जल तो हो पार जावे। जे यत्न बनाया ना रहूंगी, जमदी ते कदे मरदी। मैन पार लंघाओ जी, दातिया आत्म अर्जा कर दी। Thank you.
रिश्तेदार कहाउंदे भीड़ पई ना नेड़े आउंदे सतनाम जी कहंदे ने गुरु बिना रिश्ता सब दा गर्जी मैनू पार लंघा दो जी दातिया आत्म अरदा कर दी मैनू पार लंघा दो जी दातिया आत्म अरदा कर दी ये देश बेगाना है मैनू दिसे कोई ना दर्दी मैनू पार लंघा दो जी दातिया आत्म अरदा कर दी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जी इंसान आज के दौर में भौतिकतावाद में बुरी तरह उलझा हुआ है यानी दुनियावी काम धंधे इस फानी दुनिया के वो कर्म करता है जिससे आत्मा जन्म जन्मों तक उलझी रहे जीते जी दुखी मरणोपरांत नरक फिर जन्म मरण का चक्कर। तो इंसान को यह समझ नहीं आती कि जितने भी वो कर्म करता है सब के सब आत्मा के खाते में दर्ज होते हैं। आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी, बुरे करते हैं तो भी, तो जैसे भी आप कर्म करते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा जीते जी और मरणोपरांत आपको भोगना होगा। आत्मा के खाते में जो कर्म लिख दिए जाते हैं क्या उनको मिटाया जा सकता है? मान लो जन्मों जन्मों के बुरे कर्म, इस जन्म में हुए आपसे बुरे कर्म, जी हां उनको मिटाया जा सकता है। तरीका है तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो और प्रभु के नाम का सुमरण करो। ये दोनों मिलके पहाड़ जैसे कर्मों को भी कंकर में बदल देते हैं और राख बना के हवा में उड़ा देते हैं। उससे क्या होगा, क्या मिल जाएगा? कर्म कट गए, क्या पता किसी के कर्म कटते रहते हैं, किसी के कट जाते हैं, क्या हो जाता है? आपके अंदर बाहर सुरूर छाया रहता है, नूर छाया रहता है, खुशियां बनी रहती हैं, गमगीन नहीं होते आप, परेशान नहीं होते आप। मालिक की कृपा से, खुशियों से माला माल होके आप जिंदगी बहार की तरह गुजारते हैं। पतझड़ कभी आता ही नहीं, हमेशा बाहर बनी रहती है। तो ऐसा संभव है अगर आप नियम बना लें नाम जपने का कि हां भाई सुबह शाम आधा घंटा पौन घंटा जाप करना ही करना है, मालिक का नाम जपना ही जपना है। ये नियम बना के आप उस पर चलें, व्यवहार के सच्चे बनो, व्यवहारिक तौर पे आप किसी को टोंट ना कसो, किसी को बुरा ना बोलो, किसी का बुरा सोचो ना, जितना संभव हो भला करो और हमेशा भला सोचो। आप दूसरों का भला सोचेंगे, मालिक आपका भला जरूर करेंगे। अगर आप दूसरों का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा हो ना हो लेकिन आपका लाजमी बुरा हो जाता है, इसलिए ये हमेशा बात ध्यान में रखो, हमेशा ख्याल में रखो कि मालिक के नाम का सुमरन ही सुखों की खान है। वो अंदर बाहर रहमो कर्म से लवरेज कर देता है। जो वचन मानते हैं ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। तो विदेशों से बात करने वाले जल्दी से और शॉर्ट में बात कीजिए। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया यूएसए से बोलो बेटा, बात करो। सदगुरु बोलो बेटा।
पिताजी मैं आपके बेटे गुरप्रीत इंसान पेस्टन ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ पिताजी। जी बेटा। पिताजी आपकी सेहत कैसी है? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आपका बहुत बहुत रहमो करना पिताजी हम पे। पिताजी आपकी हम पे इतनी रहमत है, इतनी रहमत है पिताजी, हम लिख बोल के बयान नहीं कर सकते पिताजी। पिताजी बहुत बार ऐसी बात कि हमने हम कई बार तो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि हमने ऐसा करना है, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, पर पिताजी हम सोच ही रहे होते हैं कि वो हो ही जाता है। पिताजी आप इतने अच्छे हो कि हमारे काम कितनी जल्दी से कर लेते हो पिताजी, कितने पास रहते हो आप हमारे, हमारे कितने पास रहते हो पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। जी बेटा, मालिक की रहमत है बेटा सर। पिताजी मेरा एक बेटा है पिताजी, गुड ब्लेस इंसान पिताजी। सब लोग कहते हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो अपना नाम बदल लेगा, क्योंकि इसका नाम गुड ब्लेस है। पिताजी क्या ऐसे हो सकता है पिताजी, क्या ऐसे बड़ा हो गया अपना नाम बदल लेगा पिताजी? क्या आप नाम उसका क्या है बेटा? पिताजी उसका नाम गुड ब्लेस है। गुर ब्लेस, गुर ब्लेस। हाँ जी, अगर नाम ठीक लगता है तो ठीक है बेटा, अच्छा नाम। पिताजी पता नहीं क्यों लोग ऐसे कहते हैं कि जब से बड़ा होगा ना, शायद अपने आप में आस पास के फ्रेंड्स को देखेगा तो शायद इसको छेड़ेंगे तो ये नाम अपना चेंज कर लेगा। दुनिया का क्या है बेटा, ये तो बोलते रहते। पिताजी आप इतना रहमोक्रम करना हमते पिताजी कि ये बड़ा होके खूब परमात करे, खूब सेवा करे पिताजी, और हम इसके लिए एक एक रोल मॉडल बन जाए पिताजी, हमको देख के ये इतना सीखे कि बस ये कहे कि मैं अपनी जेब खर्ची में से इतने पैसे बचा के ना मैंने तो परमार्थ ही करना है बस पिताजी। पिताजी इतना इतनी इतनी रहमत कर दो पिताजी हम पे। खाना नाम जब के बनाओ बेटा, अच्छे संस्कार दो तो क्यों नहीं होगा, ऐसा जरूर होगा। धन्यवाद पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मेरे मासी जी हैं पिताजी, उनका ना उन्होंने नाम दान ले रखा है यहाँ से, और पिताजी उनका ना एक बेटा, वो जब पैदा हुआ था तो उसकी ना थोड़ी बुद्धि कम थी, तो वो पिताजी अभी ना वो दवाई ले रहे हैं, और डॉक्टरों ने बोला है कि जैसे वो बड़ा होगा तो उसका दिमाग उसकी उम्र के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और पिताजी उस पर भी रहमत करो कि वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए पिताजी, वो बड़ा फिक्र करते हैं उसका। बेटा यहाँ बादामों वाला नुस्खा है, वो ले दें लगातार, और जो कुछ भी उसे देते हैं सुन करके बना के दें। थैंक यू पिताजी। पिताजी आप इनसे बात कर लो, मेरे हस्बैंड से बात कर लो पिताजी। जी बोलिए बेटा। तेरे दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बोलो बेटा। पिताजी मैं आप जी का बेटा रुपिंदर इंस्टा प्रेसिडेंट से बोल रहा हूँ जी। जी पिताजी आप जी कैसे हो? बेबरा जी की रहमत है बेटा, सुनाइए बात। पिताजी बहुत कृपा आपकी पिताजी, बहुत ही कृपा करें आपकी। पिताजी मैंने आपसे एक बात करनी है कि पिताजी जब भी कोई कोई मनमुख पिता मुझे मिलता है मुझे जी, पहले उनसे हम बात करते हैं देर के बारे में पिताजी, वो बोलते हैं कि तुम ऐसे देर जाते हो, वैसे जाते हो, क्यों जाते हो, ठीक है जी। पिताजी जब उनसे मैं बताता हूँ इतने पिछले में हुए हम ऐसा हुए हैं कि इतने बड़े हमारे कर्म काटे हमारे मालिक ने, पिताजी मैं उसी दिन विराग में आ जाता हूँ। पिताजी विराग में आने के बाद पिताजी तब पिताजी जो भी मिस हुआ वो होता कृष्णा पिताजी, मैं बताता हूँ उनको कि ऐसे ऐसे हमारा ये कर्म ऐसे काटा ऐसे काटा, फिर वो लोग मान जाते हैं कि वाकई सच में है तुम, सच में तुम सही मानते हो, जिसको मानते हो तो मानना चाहिए पिताजी। फिर जो कुछ में मुझे साथ हुए हैं फिर मैं बताता हूँ तब, फिर वो बताने के मुझे फल मिलता है मिल सकता जी, कोई ऐसे नहीं होता कि मेरा फल कटता उससे बताने से। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बस जो अंदर की रूहानी चढ़ाई है उसको अपने अंदर जज्ब रखो, मालिक बाहरी तौर पे जो कर्म काटते हैं और जरूरत होती है, और अगर कोई चाहवान होता है उसके सामने वो बात करते हैं तो कुछ नहीं होता बल्कि खुशी आती है। ठीक है पिताजी, धन्यवाद पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। जब सारा प्रवाद ऑनलाइन बैठे पिताजी इंडिया में, उनको भी आशीर्वाद दे देना पिताजी। जी सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे। सदगुरु तेरा ही आसरा। बोलो बेटा। पिती आपको हैप्पी दशहरा और सारी सात संगत को बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं। जी आप सबको भी दशहरा मुबारक हो बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिती। पिती मैं कैलिफोर्निया में 2.5 साल से हूँ, बट कभी भी नाम चर्चा नहीं गई, तो लास्ट मंथ में नाम चर्चा गई थी फ्री मॉन्ट में। इतना अच्छा लगा पिती, इतना अच्छा लगा जब उन्होंने वीडियो चलाया आपका, तो लग रहा था जैसे आप वहीं पे साक्षात, और टीवी नहीं चल रहा है, इतना ज्यादा फीलिंग हो रही थी आपके वहाँ पे होने की प्रीति, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। थैंक यू प्रीति। जी बेटा जी। और
आपकी रहमत तो आपकी खैर बहुत है, बता नहीं सकते कितना करिश्मा है। अभी मैं इंडिया गई थी तो वहाँ पे हम कार से जा रहे थे रायपुर रात को, तो मैं कार पे सोच रही थी प्रीति हम इतना सिमरन नहीं करते, इतना परमार्थ भी नहीं करते, इतना सेवा भी नहीं करते, फिर भी कितना रहमत है प्रीति, जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। तभी ना हमारी कार ट्रक में घुस गई प्रीति, बम्पर आधा ऑलमोस्ट आधा घुस गया था, और प्रीति हम में से किसी को भी एक स्क्रैच नहीं आया प्रीति, उस वैसे में लोग मर जाते हैं। और नेक्स्ट जब हम रायपुर पहुंचे तो भैया के मौसी सास लोग भी आ रहे थे वहां से, राउरकेला से आ रहे थे, उनका कार भी ट्रॉली में भिड़ गया और प्रीति ऑन द स्पॉट सबकी डेथ हो गई। तब और ज्यादा महसूस हुआ प्रीति कि आप कितनी रक्षा करते हो प्रीति, एक स्क्रैच नहीं आया और उनके मौसी सास और सबकी डेथ हो गई ट्रक से भिड़ के। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आपका बचपन का प्यार बेटा सुमरन और माली की चर्चा आपके अंदर दिमाग में चल रही थी वही घन कर्मों को काट देती है दिव्या, वही रहमत करते हैं बेटा। सो आशीर्वाद बेटा। थैंक यू पिति, ऐसी रहमत बनाए रखना पिति, कभी सिमरन ना छूटे पिति। जी बेटा। अब पिति फ्लाइट में हमने ना वेज ऑर्डर किया था तो उन्होंने नॉन वेज दे दिया पिति, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने एक बाइट ले लिया फिर बाद में निकाल दिया पिति, तो उसके लिए माफी दे दो पिति। जी बेटा नारा लगा दीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। माफ बेटा। जी प्रीति, प्रीति मेरा भाई बैकुंठ, मैं वैसे बैकुंठ पुरुष हूँ, तो मेरा भाई आया हुआ था जनवरी में, तो उसने बताया आपसे मिला, तो आपसे मिला तो आपने उसको पूछा कि तुम्हारी दीदी ही कॉल करती है ना, वो जो है मुझे इतना अच्छा लगा प्रीति आप इतना याद रखते हो, आपको कौन कौन कॉल करता है प्रीति, थैंक यू प्रीति हमें याद रखने के लिए, बहुत बड़ी बात है प्रीति, हम तो ऐसा कुछ स्पेशल काम भी नहीं करते फिर भी आप हमें याद रखते हो प्रीति, थैंक यू सो मच। जी बेटा, पीर फकीर कभी भूलता नहीं बेटा मालिक की औलाद को, और जो उनसे मोहब्बत करते हैं आत्मा आत्मिक तौर पे कभी नहीं, हो ही नहीं सकता कि कभी भूले, दोनों जहां में नहीं बेटा। थैंक यू सो मच प्रीति। और प्रीति लास्ट ईयर करवा चौथ में ना मैंने फास्ट रखा था आपके लिए, और मैंने फिर फोन किया था आपको तो मैंने बोला था मैं हमेशा ही रखूंगी आपके लिए फास्ट, तो प्रीति फिर उसके बाद ना दिसंबर में मुझे कोलाइटिस का दोबारा से अटैक आ गया, उसके बाद ना मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा ही ये होती थी, हैवी होती थी, तो प्रीति फास्ट रखने से ना बहुत वीकनेस रहती थी, तो प्रीति उसके लिए भी माफ कर दो, मैं फास्ट नहीं कंटिन्यू कर पाई। कोई बात नहीं, नारा लगा दें बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और प्रीति लास्ट मंथ ना डैडी का एक्सीडेंट हो गया है और वो उनकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई प्रीति, उनके ऊपर रहमत करना, बहुत तकलीफ में है। जी बेटा आशीर्वाद, और अगर बेटा कोई उनमें से यहाँ आ सकते हैं, एक दवाई देते हैं जिससे बोन बहुत जल्दी जुड़ती है और ठीक होती है बेटा, सुमन करके अगर वो लेंगे तो बहुत फायदा होगा। जरूर प्रीति, मैं जरूर बताऊंगी प्रीति। अब प्रीति यहाँ पे मेरा छोटा सा बेटा है 2.5 साल का, तो दिन भर उसको देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो प्रीति कई बार ऐसा लगा कि आप उसको इतना बचाते हो प्रीति, इतना बचाते हो, थैंक यू प्रीति, ऐसा लगता है कि आप पल पल उसकी रक्षा करते हो। बच्चे तो कितना कुछ भी करते रहते हैं, कभी गोली खा लिया या कहीं से गिर गए या कुछ चाकू छुरी, या कई बार प्रीति बता नहीं सकती इतनी बार आपने उसको बचाया, थैंक यू प्रीति। जी बेटा जी। और प्रीति एक जोक सुना दूं लास्ट में? जी। दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, बोलता है यार मेरा ना बीवी से झगड़ा हुआ, तो उसका दोस्त बोलता है फिर सॉल्व हुआ क्या, तो वो बंदा बोलता है हाँ यार वो घुटनों पे चल के आई मेरे पास, तो दोस्त बोलता है अरे सचमुच ऐसा क्या, तो बोला हाँ, बोली पलंग के नीचे से निकल और अब नहीं पिट मारूंगी। ठीक है प्रीति, थैंक यू सो मच प्रीति फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगता है प्रीति आपसे बात करके। जी बेटा। धन धन सदगुरु तेरा यासरा। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, सेवा सुमन करना बचन प्रेरणा मालिक खुशियां बख्शे बेटा, बहुत आशीर्वाद। शास्त्र जी का स्कूल श्री गुरु सर मोड़ लाई में से तेरे पिता, हमारे स्कूल के हैंडबॉल के 3 खिलाड़ियों ने फेडरेशन कप खेलने जाना है, ताई कमांडो के 4 खिलाड़ियों ने स्टेट खेलने जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं, बिस्कुट और प्रसाद बना दीजिए। प्रसाद बन गया बेटा, सुमन करना बचनों पर रहना और पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना, मालिक साथ है बेटा, बहुत आशीर्वाद। विवाह शादी वाले परिवार आए और ये दिन दुखी मत बैंक में 11,000 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद।
मरणोपरांत नेत्र दान का अपन साथ और शरीर दान का भी साथ में और अपन दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम रणधीर सिंह इंसान, पुत्र सतनाम सिंह इंसान जी का निवासी गुड्डे जिला लुधियाना पंजाब। लड़की का नाम मनदीप कौर इंसान, पुत्र रजेंद्र सिंह जी की निवासी मुरादपुरा जिला लुधियाना पंजाब। लड़का लड़की आवी जी दिल जोड़ माला पाओ जी। और ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। सो आशीर्वाद बेटा। और ये परिवार तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां हैं, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत आशीर्वाद कहते हैं। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे दो परिवार संगरूर और दोनों ही संगरूर से ही आए हैं जी। खड़े हो जाएं। एक का नाम नहीं लिया था, जिसने नाम लिया परिवार वाले घंटा सुबह शाम दो तीन महीने लगातार उसके लिए सिमरन करें, कुछ ना कुछ रहमत होती है। एक का श्रीदान और श्रीदान महादान आशीर्वाद। और एक परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 5100 रुपए जमा करवाता है, आशीर्वाद बेटा। परिवार दोनों तरफ आए हैं, तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा ज्योत्यों निज धाम जाती है, आप सुमण करें बेटा। जिसने नाम नहीं लिया था उसके लिए परिवार वाले घंटा सुबह शाम सुमण करें। जो जख्म देता है वो मरहम भी जरूर देगा, मालिक ताकत देने वाला है। प्रसाद ले लें बेटा, और प्रसाद लेने के बाद बैठना है। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने के तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। जी आए नुक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सज रहने बैठे रहने, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय अनुसार जा सकते रहने का, जैसे सेवादर भाई बते रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहनें अभी लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए